प्रकृति से निकलता हुआ पानी का स्रोत यहीं पर से भरेंगे। दर्शन के ऊपर से आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं। ब्लॉग बन रहा, ब्लॉग कहीं जा रहे? अच्छा ऐसे ही महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई तेरे को। बता दी, बता ढेर कैसे दी? 60 किलो है। दिक्कत हो रही है गाड़ियों को, ये पीछे से देखो कितनी स्पीड में आया हो। कसम से यार, बहुत ही लापरवाह हो यार तुम लोग भाई, सही में यार। टॉर्च ही फोन करनी बहर आए जी भाई, घर पर का तो फोन आइए बत्तों से तुम्हें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में भाई। तो दोस्तों आज जैसे कि भैया आप सभी को पता है, आज है महाशिवरात्रि। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को भैया हैप्पी महाशिवरात्रि। सुबह मैं एकदम नहा करके रेडी हो गया हूँ। सबसे पहले करते हैं पूजा पाठ वगैरह, दिया वगैरह वगैरह जलाते भैया, और फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर पे, शिव मंदिर पे जाएंगे। ये देखिए पापा, महाशिवरात्रि की बधाइयाँ, हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। व्रत भैया मैंने आज व्रत ले रखा है शिवरात्रि का। तो अभी फिलहाल पहले अभी चाचा गए हुए हैं ना पानी लेने के लिए, तो जहाँ से हमारा पानी आता है तो नया शुद्ध पानी वगैरह, दो किलोमीटर का पानी, मतलब 2 किलोमीटर से लाते हैं स्रोत से। तो सुबह का मॉर्निंग का शुद्ध पानी अभी भैया तिलक विलक बनाएंगे उसका, मुस्कुराते हुए बिल्कुल। ये देखिए शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कहाँ को जा रहे हो, कहाँ प्रस्थान हो रहा है? देखते हैं कहाँ को जा रहे हो। ड्यूटी या फिर कहीं? ड्यूटी भी जाएंगे, नहीं तो जाएंगे भी, ड्यूटी के साथ साथ ही है ये। दोस्तों आज बिल्कुल मैं उठ गया था सुबह ही मॉर्निंग में, आज जल्दी नहा धोके दस बजे उठता था। आज जाएंगे ना फिर, आज महादेव का दिन है, शिवरात्रि है, बढ़िया करके बिल्कुल व्रत लेकर के मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे आज, फिर इसी के क्या तो दिन हुआ आज। तो दोस्तों फाइनली भैया घर में अभी पूजा पाठ करने के बाद बढ़िया करके भाई हम जाने लग गए हैं मंदिर को। साथ में तिल्लोक भी है, छोटू भी है, वो लोग आगे को चले गए हैं। तिल्लोक और तेरा भी व्रत है ना? हाँ फिर ठीक, तो इसने भी व्रत ले रखा है, और बाकी छोटू भी जा रहा है साथ में। ये तो जा रहा फूल तोड़ने, छोटू ने तो नहीं ले रखा है भैया व्रत। मंदिर में पूजा पाठ जैसे नहीं गए तो गए, जब भी हमने यहाँ पर से भैया बुरांस के फूल तोड़ लिए हैं। हर हर महादेव, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। कैसे मंदिर तो लगा से मंदिर है ये दोस्तों, लक्की भी आई है यहाँ पर से। तो जय भोले की। देखिए दोस्तों अभी भैया चाचा भी मिल गए यहाँ पे बुरासी के, और तुम भी गाको कहाँ उधर मंदिर में? अच्छा अच्छा, शिव कैलासों के वासी, जड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरे ना। दोस्तों भैया मंदिर में जाने से पहले हम यहाँ ठंडा की शॉप में से थोड़ा अगरबत्ती बतासे वगैरह ले लेते हैं। अभी फाइनली भैया हमने यहाँ से दुकान में से भैया ये धूप अगरबत्ती बतासे वगैरह ले लिए हैं, बेर वगैरह। तो अभी चलते हैं आप सीधे मंदिर को। तो यहाँ से पहले भैया सबसे पहले जाना होगा नीचे नदी में से, मैं पानी भरूंगा लोटे में और उसके बाद चलेंगे मंदिर में। चलो सब कैलासों के वासी, जोड़ी धारों के राजा। हर हर महादेव। यहाँ पर से भरते हैं दोस्तों हम पानी। अब प्रकृति से निकलता हुआ पानी का स्रोत यहीं पर से भरेंगे पानी। सब में एक एक फूल डाल दी ना मेरे पास, जिसके बम भोले की, बम भोले की। क्या बना? धीरो धीरो, हर हर महादेव। अच्छा मंदिर के नाम से धीरू भाई भी मिल गया हमको यहाँ पे, ये देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल। तेरे को भी यार शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरू भाई भी पहुँच गया, ये भी काफी यार। सभी लोग भैया मंदिर पे जा रहे हैं, जो कि पोखराट का भैया केदारेश्वर महादेव मंदिर है। तो चलिए
चलते और भी लोग आ रखे हैं वहाँ पे काफी। तो हर हर महादेव, यहाँ पे हमारी पिंकी बहन भी आ रखी है। यहाँ पे देखिए पिंकी, इधर को देख, अरे पिंकी, पिंकी बहन हमारी बहुत शर्माती है। अभी हम चलते हैं ऊपर मंदिर में। देखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, झुकवा झुकवा। दर्शन वगैरह कर लिए हमने, पूजा मतलब जो मतलब अगरबत्ती बतासे वगैरह चढ़ाने थे, धूप बत्ती करनी थी। अंदर महादेव के मंदिर में भी जा करके आ गए हैं हम, और यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर। जो कल परसों कावड़िया आ रखे थे उनकी कावड़ यहाँ पे है मंदिर में। जय भोले जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू, सेम टू यू। आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार वालों को, आपके परिवार को भी यार बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभम भाई, मैंने पहचाना नहीं यार तेरे पीछे से, मैंने कहा यार लग शुभम जैसा ही रहा। बिल्कुल यार, इस तरह आप नहीं पहचाना कौन पहचानेगा। वही तो, फिर भांग घोट पिना लो तू, भांग घोट बहुत तगड़ा रास्ता होता है भाई। भाई बोल रहा भांग घोट की, बोल रहा पीते है। तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं भैया मंदिर में से, और अच्छे खासे दर्शन भी हो गए हैं अपना, बढ़िया धूप बत्ती वगैरह भी हो गई है। ज़्यादा भीड़ तो उतनी थी नहीं, मतलब आ तो रखे थे काफ़ी सारे लोग आ रखे थे, लेकिन भाई तेरे को सच बताओ तो पीना मत भाई, क्योंकि भांग जो भांग जोड़ जो होता है बहुत खतरनाक होता है उसका नशा यार। वैभव भाई, वैभव भाई, हेलो हेलो, हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू यार, आ गया तू भी मंदिर में आ रखा था। अब हम लोग जा रहे हैं भैया दोस्तों यहाँ से पदमपुरी, पदमपुरी सोमवारी महाराज मंदिर। चलो आज भाई हम जाके आते हैं सोमवारी महाराज, याद है, याद आते हैं पुराने दिन जिस टाइम में हम लोग मतलब इसी रोड से जाते थे, और उस टाइम में जरा रोड नहीं थी, और हमारा मेन काम हम क्या लेने जाते थे वहाँ, आंटी आंटी रहा उसकी तीस मिलने वाली ठहरी, एक रुपए की तीन। हाँ मेन काम है आंटी लेने के लिए। जब भी मतलब यार शिवरात्रि आती थी ना भाई, छोटे छोटे थे हम मतलब पदमपुरी दौड़ जाते थे, 10 रुपए भी देते थे तो खुश हो जाते थे, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद था अंठी लाने का, वो 10 रुपए की हम अंठी ले आते थे। अंठी लाने का मकसद था बस, खुशी मिलती थी उस अंठी में। अच्छा ग्वाला, चलो फिर चलो नीचे ले हो, चलो अच्छा आते हो, तेरे ज्यादा बता सके ग्वाला आ रखे। हम लोगों ने तिलक बनाया वहाँ पे, हमारे पास घर चंदन नहीं था ना, हम घर से बना के आते, हमने दुकान से लिया, वहीं पे बनाया, और मस्त एकदम देखिए महादेव का तिलक लगा करके चलते हैं। तिलक लग रहे, ये तिलक आए तो एकदम भाई भोले बाबा लग रहा है। जय भोले की, हर हर महादेव। छोटे से बच्चे भी भैया कहाँ गए तुम सब, पदमपुरी झांझर रहते पूरे मिक्स है, मतलब मिक्स है ना ये रोजगार का, ये तुम दोनों भाई हो। हाँ तेरा नाम क्या कहते, तेरा नाम क्या कहते, ये कितना सरवाला है, ये कितना, तेरा नाम क्या है, जो मना करता मैं उसी को ज्यादा लेता हूँ। फिर तेरा नाम, तूने बोला था ना वो उस पर, तो जो चैलेंज भैया मिला हुआ था ना हरी रेल लाल रेल वाला, ये बहुत स्पीड कर रखी यार, अरे हरी रेल लाल रेल, हाँ अरे हरी रेल लाल, तो मैं बोल रहा था, बोलता तो एक आवाज सुना दे यार मेरे को। ये तो बहुत स्पीड बोल रहा है यार ये भैया, ये मेरे को मिल ही गया है, जिसकी बात है पिछले ब्लॉग पे आपको बोल रहा था ना कि भाई उस छोटे भाई ने मतलब बोला था करके फास्ट तरीके से, वो यही था भैया, ये मिल भी गया है रास्ते में, इसको करेंगे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे हम अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने बोला था। पिछले साल तक का तो जो जूते उतरते थे वो सामने उतरते थे मंदिर के पास में ही गेट के वहाँ पे, अभी जो पुल है यहाँ पे पुल के पार ही भैया जूते वूते वगैरह उतर रहे, हम लोगों ने अपने यहाँ पे रख दिए हैं सामने पे। तिलो रख तो दिया, आते वक्त मिले ना मिले वो बात की बात है। अभी जूते उतारने के बाद हम लोग भैया सबसे पहले मंदिर में अंदर चलते, दर्शन वगैरह कर करके आते हैं वहाँ पर, फिर मिलते हैं आप लोग जूते, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वो बात भी अलग है सर, वो तो भी वो तो फिर दंगे पैर ठीक है, फिर दंगे पैर ही चलेंगे नहीं तो।
बाकी है, देख सकते हैं लाइन आप सबसे टॉप वाले मंदिर में जाने के लिए ऊपर। जय भोले की, जय भोले की। भैया दर्शन के ऊपर से आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मंदिर, अभी निकलने देते हैं फिलहाल सब लोगों को दर्शन करके। कि भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से भाई, कितनी दूर से आ रखे पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पहुँच रखे हैं। जय भोले की, हर हर महादेव, मां भोले। एकदम महाशिवरात्रि ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। विद्या भी पहुंच गए हमारे, तुम भी मतलब वीडियो शूट करते हो चले हो। अरे गजब व्लॉग बन जाए क्या, व्लॉग बन जाए, व्लॉग कहीं जा रहे हो? अच्छा ऐसे ही। हमारे बोरा के उदय देता भी मिले हमको यहाँ पे सोमानी महाराज के मंदिर में। और जय भोले की, जय शंकर महाराज, जय शंकर महाराज। आज तो भोले का दिन है, बहुत थैंक यू सो मच, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच यार, अभी आ रहा है क्या तू? अच्छा अभी पहुंच रहे हैं, आज बाबा का दिन है, हमारे चिराग बाबा भी खुश है भाई। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई तेरे को। अभी आ रहा क्या ऊपर? आ गया क्या दर्शन करके ऊपर से? आ गया, चल फिर आ तू। सामान बेर वेर वगैरह दिए जा रहे हैं। और सुनील दा बेर कैसे दिए? दीपदा दीपदा बेर कैसे दिए? 60 रुपये किलो। अच्छा 60 रुपये किलो। अरे बाप रे, बात कैसे हो? बढ़िया, क्या बात, मतलब कैसे दिए बेर? मतलब सब चीज़ फल फ्रूट सब रखे? जय भोले की, हर हर महादेव। कितने रुपये किलो है? 60। हाँ आधे किलो रख दो। केले क्या हो? केले क्या है? केले 70। क्या कहाँ से क्या चाहिए? 1500। दर्जन सुनील दीपुदा, ये देखिए लगे हुए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया करके, सेवा में, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा सेवा ऑनली सेवा है। हमारे मामू हैं। कौन मामू है? अगरगन क्या दे रहे हो? अच्छा वो क्या है का बिजनेस वाले हो? हम सेवा दे ये भौजी आ गई, भौजी को भी तो भौजी क्या चाहिए? ये भौजी आ गई। 70 रुपये किलो। ओ भैया हमारे लिए क्या लगाओगे? इनके लिए क्या लगाओगे? भाभी के लिए क्या लगाओगे? ये कैसी दी पिपली? ये डमरू कैसा है? डमरू भैया, हेलो भैया जी, डमरू कैसा है? बढ़िया। जय भोले की, जय भोले की। यहाँ पे देखिए मंदिर के पास में भैया प्रसादी वितरण हो रही है, ये देखिए
जय भोले जी। लास्ट में डालना है, यहाँ पे बनी है खीर। जय भोले जी, जय भोले जी, हर हर महादेव। ये क्या बात, कॉल के दाजू मिले, देखिए बढ़िया। आपने वीडियो देखते रहते हैं यार, ये बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं। ठीक ठीक, चलो दर्शन करके आओ फिर तुम भी, कैसा मिलते हैं फिर, ठीक है। अभी हमारा साथी है दिग्गा, अभिषेका आपने देखे दिग्गा को कब से कॉल कर रहे हैं, दिग्गा फ़ोन नहीं उठा रहे, अभी फ़ोन उठाया उन्होंने, अभी आ रहे हैं वो भी, यहाँ पे मिलेंगे हमको। उसके बाद देखते थोड़ा मार्केट वार्केट घूमते, थोड़ा सामान लेंगे शाम का, मतलब कुछ शायद फल फ्रूट वगैरह थोड़ा नीचे से ले लिया था, अभी देखते और क्या लेना है अभी, फिर उसके बाद जाएंगे हम घर को। पहले तो दिग्गा का इंतजार करते हैं ना। बड़ी मुश्किल से कॉल उठाई उसने, अभी आ गया हूँ। नैन कहाँ है अभी, नैन नैन भी तो नहीं आ रहे, रोड में आ रहा हूँ, रोड में आ रहा, कब से रोड में आ रहे हैं यार वो, आगे आगे बोल बोल के अभी तक रोड में नहीं आए। यहाँ पे भी भंडारा चला हुआ है, देखिए प्रसाद वगैरह, ये छोले गुटके वगैरह। जय भोले जी, हर हर महादेव। ये देखिए, ये देखिए प्रसाद वगैरह बांटते हैं यहाँ पे भैया लोग, भंडारा लगा रखा है। वाह छोटे, इधर कुछ कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, गुटके अच्छे हो रहे हैं। अच्छा अभी तो मंदिर में जाके आ गए, नैन भी घूम के आ गया, नैन भाई भी आ गया, नैन के हाथ में हमारा प्रसाद है। नैन भाई तो पता नहीं वो प्रसाद वो वाली कहाँ है रे, वो जिसमें फूल पाती थी वो वाली पन्नी कहाँ खो रख के आ गया, दूसरे हाथ मारे वो तो मंदिर का प्रसाद है। और ये मनोजदा लोग, ये संदा चाचा लोग भी, ये भी पहुँचे हैं यहाँ पे। जय भोले की जय हो। चलो आओ फिर तुम भी ना, थोड़ा सा रोड टूटी हुई है, तब से काफ़ी दिक्कत हो रही है गाड़ियों को। ये पीछे से देखो कितनी स्पीड में आया हो, तो तब जा करके काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे गाड़ियों को निकलने में। अब आज तो भैया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लोग आ रखे, तो इस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ियाँ पूरी जाम, पूरा जाम लग गया यहाँ पे। हम यहाँ पे रोड पे आए थे भैया, अपने अजय भाई मिले यहाँ पे, ये देखिए हर हर जय भोले की। बहुत महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं अजय भाई को और आपकी यूट्यूब फैमिली को भी, ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। तो जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, अजय भाई ने भी भैया आपको विश कर दिया महाशिवरात्रि, और मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी मंदिर से आए हुए थे तो अजय भाई मिल गए थे, हमने कहा भैया बढ़िया करके, अजय भाई आपने देखिए गाड़ी पीछे खड़ी कर रखी है इनकी, पता नहीं कहाँ का प्लान बन रहा है इनका, कहाँ जा रहे हैं ये, अभी तो प्लान कहीं का नहीं है, क्या पता सडनली प्लान बन जाए। कहाँ को जा रहे हो ऐसे, मतलब आज तो काम, आज तो काम आम से भी छुट्टी होगी आज तो, क्योंकि महादेव का दिन है। तो भैया बोले कि हर हर महादेव। यहाँ पे देखिए कमल चाचा, भवान चाचा और ये गोपाल भाई आ गए हैं। अच्छा मंदिर में चलो भी आ गए, काकू मंदिर में गए, हम तो आ गए, हम पूजा पाठ करके मतलब दर्शन करके आ गए हैं। वरदान का क्यों नहीं मांगेंगे यार, आज महादेव का दिन है, आने वाले मतलब शादी के महीने में बरात, शादी के महीने में बरात है। गोपाल भाई मांग के आना, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह सब करके आगे। ठीक, मैं यार कितना फ़ोन लगा रहा हूँ, तभी मैंने कहा एकदम फ़ोन ऑन जैसा नहीं उठा रहे, तुम अंदर हो गए पाठ वाठ वगैरह उसमें सही बोल तुम लोग था। ठीक ठीक, मंदिर में क्या जाओ वहाँ पे, ये ताई लोग आ गए हैं, चाची लोग आए, गजब जय भोले की। ठीक ठीक, दर्शन करके आओ, पूजा पाठ करके आओ। गया जा विद्या मिल गया हमको भैया, हमने काली चोट वाले दिन याद आ गए भाई, जिस दिन भाई का गोट पी दिया था उस दिन भाई साहब विद्या भी तैयार, उस दिन तो हाल खराब भाई, बहुत तगड़ा वाला बिगदा भी थे उस दिन साथ में, एक बिगदा थे एक मैं था और भी भाई लोग थे मोहित लोग। अच्छा ले रहे कुछ ये सकोगंज बीच जा तो क्या ले जान किसे, तो ही दिन से भाई को यार बहुत लापरवाह आदमी था यार तुम हैंकर, सही में बहुत लापरवाह आदमी था यार, उस तक बैठना मतलब ये तो देर लगाया तो तिलो अलग है कि ना आने फ़ोन टिपलना ना तो तू फ़ोन करने लगे भाई, आदमी के इंसान की सिचुएशन भी देख लिया कर यार तू कभी भाई, फ़ोन टिपले जो है फटाफट मतलब भाई गोड, मैं घर बैठी नहीं यार, घर से फ़ोन में फ़ोन आ रहे भाई, तीन चार बार फ़ोन आ गए,
तुम भाई गोड यार फटाफट आ नहीं रहे हो। मैंने कहा मेरा बैग तो दे दो करके यार भाई गोड। कसम से यार बहुत ही लापरवाह हो यार तुम लोग भाई गोड। सही में यार तुम्हारा तो कोई नहीं है भाई, दीन धर्म कुछ है नहीं तुम्हारा घर से। तुम्हारा तो दीन धर्म है नहीं, ये नहीं फटाफट चलते हैं करके घर के। मतलब गैज मतलब यार कब से एक घंटा वेट करा दिया इन्होंने मेरे को यहाँ पे, ना ये फटाफट मतलब बैग देने के लिए आ रहे हैं मेरा और ना कुछ भी। फोन कर रहा हूँ फोन उठा नहीं रहे हैं। अब सुबह से यार घर से तीन चार बार कॉल आ गया तो फोन इसको फोन कर रहा हूँ फोन उठा नहीं रहा है बिल्कुल भी। जब बिल्कुल फोन नहीं ना लो तो फोन करनी बह रहा है जी भाई घर पर तो फोन आ गया बत्तू से तुगे जन कर यार फोन की यार नानो घर बैठे फोन होनी हुआ यार भाई। अरे यार पहले पकड़ क्या तू जब ये अरे आप पकड़ जाते भाई हिटा लेता सही भाई इतना फटाफट दबा दूंगी यार भाई बहुत लापरवाही कर सा यार काम में भाई बहुत ज्यादा लापरवाही। अब बिग दाल की नानी इन्होंने कॉल आप नहीं तू जल्दी फॉरवर्ड करी नहीं इन्होंने बिग दाल दू कॉल करी से कॉल फॉरवर्ड कर दे चला हिटा यार घर बैठी भाई घर से कितने बार कॉल आ गई तुम लोग चल नहीं रहे फटाफट। मैं पहुंच गया था यहाँ पे घर पे और ये सामान लेकर के आ गया हूँ यहाँ पे। इन्होंने अम्मा लोगों ने यहाँ पे पिनालो और आलू तो भैया पका रखे हैं, ये आलू और पिनालो पका रखे हैं और बाकी तोड़ गुस्से पारू ने ये तोड़ है और इसमें शकोगंज है बन तोड़ तो बन मोहने तो ये है तोड़ भैया ये है शकोगंज बेर वगैरह बाकी ये सामान अभी मैं लेकर के आया था तो अभी ये लोग फिलहाल बना रहे हैं यहाँ पे। भाई आ गया था मैं फाइनली यार घर पे। मतलब कितना चलो चलो कहने के बाद साथ वालों को उनको मैं तो फिर आगे को आ गया था यार पहुँच गया मैं घर पे। मैंने सामान सब दे दिया है घर से। मतलब भैया इतनी बार कॉल आ गई थी मेरे को मतलब 8 से 10 बार भैया कॉल आ गई थी कि कहाँ पहुँचा जल्दी है जल्दी आ। साथ वाले ऐसे हैं यार बिल्कुल तभी मैं बोल रहा था बहुत ही लापरवाही करते करके ये नहीं देख रहे कि घर से उसकी कॉल आ रही है भैया फटाफट जाते करके घर को बैठते लटकते हुए आ रहे हैं। मेरे को आया फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने कहा भाई मेरा बैग दो क्योंकि बैग पीछे रह गया था ना इसलिए वरना मैं आ जाता आगे कोई। मैंने बैग मांगा फिर मैं तो आ गया था सीधे आगे को यार। वो लोग अभी पता नहीं पीछे कहीं बैठे होंगे रास्ते में। आ गया था मैं बाकी सामान मैंने दे दिया है और अभी बनेगा थोड़ी देर में शाम के टाइम में बढ़िया पूजा पाठ करेंगे उस तब जाकर के अपना भैया जो व्रत है आज का वो टूटेगा दोस्तों। तो अभी अब समय आ गया भैया पूजा पाठ वगैरह का और यहाँ पे अंदर प्रसाद उसाद वगैरह भी भैया बन रहा है यहाँ पे बन रहा है प्रसाद वगैरह और ये चाचा यहाँ पे देखिए सूजी वूजी वगैरह घोटने में लगे हुए हैं इसकी बनेगी बढ़िया करके सूजी ये बाकी सब बन के रेडी हो गई तो और चीज़ तो देखिए सब चीज़ बन के यहाँ पे रेडी हो गया फिलहाल और ये सूजी बन रही है नाम चाचा बोले भैया चार लिंग बनाने हैं शिव जी पार्वती गणेश कार्तिक उनका नाम भी लिखना है उनका। फिलहाल भैया ये नीचे से गोबर गाय का गोबर लेकर के आ गए थे तो इसके हम चार लिंग वगैरह बनाएंगे और ये आज तेरा भी है व्रत ये इसने पूजा नहीं भी ले रखा है मेरे को पता नहीं था मैं तो हर साल ही लेती हूं। खाली भी है खाली भी क्या सच में क्या तो पूजा का भी बताया था बल भाई ये सुबह से मेरे को पता नहीं था ये तो गई थी शायद कहाँ मुक्तेश्वर गए थे तुम। तो अभी हमारे दोस्तों महादेव बनेंगे जय महादेव और यहाँ पे आज बनेगा दोस्तों भैया हमारा अलग से एक मंदिर जहाँ पे कि विराजमान होंगे हमारे देवी देवता तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम लीप रहे हैं अभी लीप करके एकदम यहाँ पे साफ चकाचक उनके लिए बिल्कुल बढ़िया सा वो आसन बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी भैया प्रसाद लेकर के हम आ गए फिलहाल और फिलहाल यहाँ पे मंदिर हमने बना दिया है। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अड्डों का भोग लगे संत करे सेवा दयावंत चार भुजा धारी माथे सिंदूर सहित मूसे की सवारी अंधन को आंख देते कोणन को काया बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा बोलो गणेश भगवान की जय ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन जसे वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चकुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्ष माला बन माला रूढ़ माला धारी स्वामी रूढ़ माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे काले शशि धारी ओम जय शिव ओंकारा त्रेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक मुन्नादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग सहन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका तड़वाक्षर के मध्य तड़वाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विरजत नंदी ब्रह्मचारी काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नितउठी भोग लगावत नितउठी भोग लगाव महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा बोलो महादेव की जय जय भोले शंकर बोलो शिव जी की जय जय हो तो
दोस्तों अभी भैया हमारी पूजा पाठ वगैरह भी हो गई है भैया के, और आप जा करके भैया हम अपना छोटो हल्ला कर रहे हैं नीचे, तो अब जा करके दोस्तों हम भैया अपना व्रत वगैरह तोड़ेंगे जो सुबह से लिया हुआ था। छोटो छोटा महादेव यहाँ हल्ला कर रहा है दोस्तों, उधर के महादेव प्रसन्न किए, यहाँ के महादेव हम लोग हल्ला कर रहे हैं। तो ये अभी देखिए भैया जो आज का हमारा जो भोजन रहेगा वो रहेगा ये चूके लड्डू और ये पिनालू सकोगंज तोड़ केला और ये बेर सूजी ये। तो ये है अपना दोस्तों आज का भोजन, तो यही आज खाना पड़ेगा, इसके अलावा हमको हल्दी मिर्ची वाला कुछ नहीं खाना पड़ेगा। भैया ये अपना भी भोजन आ गया है जो कि आज का हमारा भोजन होगा कुछ इस प्रकार का। तो चलिए बढ़िया करके पूजा पाठ हो गई तो अब जाके भोजन करते हैं।